अध्यक्ष बनते हैं जिसमें कोई गुंजाइश नहीं है कि आप अध्यक्ष बनेंगे बिल्कुल, पर लेकिन पीएम फेस कौन होगा, राहुल गांधी या आप? देखो पहले तो मेरा संगठन चुनाव इसमें आया हूँ, हमारे में कहावत है, मैं बहुत जगह रिपीट करता हूँ, बकरी ईद में बचेंगे तो मोहर्रम में नाचेंगे। पहले तो मेरा चुनाव खत्म होने दो, मैं अध्यक्ष बनने दो, उसके बाद देखेंगे। ये तो संगठन का चुनाव है और संगठन के चुनाव में घर के जैसा हम आपस में कांग्रेस पार्टी के संविधान के तहत हम लड़ते हैं, चुनाव लड़ते हैं और चुनाव के बाद कोई ऐसा वैमनस नहीं रहता कि ये वो है फलाना है। और दूसरी बात, मैं एक आम डेलीगेट्स और सभी सीनियर नेता सभी ने मिलके मुझे इस चुनाव में उतारा। अब जब ये चुनाव में उतर गए हम तो बाहर निकलना अवश्य है, अपने बात को भी रखना अति अवश्य है। तो इसलिए मैं अपने डेलीगेट से ये बात रखी कि हम चुन के आने के बाद कौन सी चीजों पर ज्यादा हम ध्यान देंगे। एक तो हमने कहा कि उदयपुर का जो डिक्लेरेशन है उसमें जो निर्णय लिए गए हैं हम एक एक करके उसको लागू करने की कोशिश करेंगे और उसके लिए हम अपने जो एक वायदा है वो वायदा निभाने का पूरा काम करेंगे। और दूसरी चीज, तीसरी चीज कि ये जो डिक्लेरेशन है इसमें बहुत से चीजें हैं जो आप पहले भी अपने अखबार में छापा है, टीवी में भी वो तो विस्तार से आया, ये सिर्फ 4 महीने के पहले का डिक्लेरेशन है। तो उसको सारे नेतागण, सारे डेलीगेट्स मिलके चिंतन करके मंथन करके वो निर्णय लिए हैं, तो उस निर्णय को लागू करना एक एक करके मेरा यानी माय फर्स्ट प्रायोरिटी, दैट आई विल डू। देन आई बिलीव इन कलेक्टिव लीडरशिप, आई विल कंसल्ट एवरीबॉडी, मैं सबसे मिलूंगा, सबसे बात करूंगा, सबको विश्वास में लूंगा और विश्वास में लेकर निर्णय लेंगे। हो सकता है सभी की ये राय एक ही राय नहीं हो सकती, जब बहुमत किसी निर्णय पे आता है उसको हमको निर्णय लेकर काम करना है, वो हम करेंगे। और तीसरा, कंसल्टेटिव प्रोसेस भी हमारा रहेगा, सीनियर से कंसल्ट करेंगे और हमारे जो वरिष्ठ नेता है श्रीमती सोनिया गांधी जी से भी कंसल्ट करेंगे, राहुल गांधी जी से कंसल्ट करेंगे, क्योंकि उन्होंने कम से कम इस पार्टी में पार्टी के अध्यक्ष नाते 20 साल उन्होंने काम किया है और उनके अध्यक्षता में हमारी सरकार 2 बार आई है और उन्होंने गरीबों के लिए बहुत से योजनाएं जो लागू की है उसको सुरक्षित रखने के लिए, उसको बचाने के लिए हमको काम करना है। सबसे ज्यादा जो चीज या चैलेंज हमारे सामने है
ये जो बीजेपी की सरकार है आज संविधान को नष्ट कर रही है, ऑटोनोमस अथॉरिटीज को कमजोर कर रही है, उसका मिसयूज हो रहा है और जहां जहां भी हमारी सरकारें आई राहुल गांधी जी के नेतृत्व में 6 सरकारें आई, उस 6-7 सरकार को भी बीजेपी सरकार मोदी जी और शाह मिलके हमारे एमएलए की चोरी के वजह से कर्नाटक सरकार गई, मध्य प्रदेश सरकार गई, मणिपुर की गई, गोवा की गई, महाराष्ट्र का भी गिराया परसों उन्होंने। यानी एक तरफ कहते वो कांग्रेस को जनाधार नहीं, जनता का सपोर्ट नहीं, दूसरे तरफ सपोर्ट मिलने के बाद जो संविधान के तहत सरकार बने थे उनको किसने गिराया, कौन डकैत चोरी करके लेके गए मुझे मालूम नहीं। तो इसलिए संविधान और लोकतंत्र को बचाने के लिए और उसके लिए लड़ने के लिए मैं ये चुनाव में खड़ा हूं। कार्यकर्ता और लीडर्स सभी ने मिलके इस चुनाव में खड़ा किए, इसलिए मैं आया। मैं तो एलओपी कैबिनेट रैंक मिनिस्टर सेंटर में था, तो मुझे सभी ने ये कहा कि जब गांधी फैमिली के कोई भी सदस्य चुनाव में नहीं आना चाहते, वो चुनाव से दूर रहना चाहते हैं, निष्पक्ष पात्र चुनाव करने के लिए उन्होंने कहा कोई भी डेलीगेट कोई भी मेंबर अपने अपने इच्छा के अनुसार वोट दे, तब कोई हमारे पास दूसरा यानी अल्टरनेट या क्या बोलते पर्याप्त विकल्प नहीं था। तो हम सभी हमारे लीडरों ने कार्यकर्ताओं ने डेलीगेट्स ने फोन करके बोल के मेरे पास मेरे को कहे कि आप नॉमिनेशन करें, क्योंकि ये मुद्दे जो बोला मैंने इस मुद्दे के एक संरक्षण के लिए और आगे लड़ने के लिए। हमारी लड़ाई सड़क से लेकर संविधान अपने संसद तक रहेगी, पार्लियामेंट से लेकर सड़क तक। चंद लोग सड़क पे आने को डरते हैं, लड़ते नहीं, और जिस जिसका ये होता है हम उसका उस हथियार का उपयोग करके अपना काम करेंगे। और मेरी यही इच्छा है कि संगठन के चुनाव में कोई एक दूसरे की लड़ाई नहीं, हम दोनों मिलके बीजेपी के खिलाफ कैसा लड़ते ये इम्पोर्टेंट है। बीजेपी आज जो काम कर रही है उनके खिलाफ हमको लड़ना है, चाहे वो इन्फ्लेशन हो, अनएम्प्लॉयमेंट हो, आज जो जीडीपी का ग्रोथ गिर रहा है, रुपए का मूल्य घट रहा है, ऐसे बहुत से प्राइवेट सेक्टर्स बेच के खा रहे हैं, ऐसी बहुत से चीजें हैं, तो इसके खिलाफ हमको लड़ना है। हम एक दूसरे के खिलाफ लड़ने का नहीं है, इसीलिए मैं यही चाहता हूं कि देश में डेमोक्रेटिक तरीके से चलने के लिए ऑटोनोमस बॉडी को मजबूत करने के लिए हमारे विचारधारा को जी उसको प्रोत्साहन देने के लिए इस मुद्दों को लेके मैं अपने डेलीगेट्स को भी बताया और वो मुद्दे पे ही मैं चुनाव लड़ रहा हूँ, आगे भी लड़ते रहूंगा। मैं ऐसा ही 1969 से ब्लॉक प्रेसिडेंट था, मेरी उम्र उस वक्त 25 साल थी जब श्रीमती इंदिरा गांधी जी गुलबर्गा जब आए थे,
तब मेरे को ब्लॉक प्रेसिडेंट बनाया गया, उसके बाद मैं डिस्ट्रिक्ट में, उसके बाद प्रदेश कांग्रेस कमेटी में ये चलते आए। पहला इलेक्शन में जीता 72, अब तक लोग चुनते गए मुझे। अब वो राज्यसभा में पहली बार आया हूँ, तो मैं आप ज्यादा नहीं बोलना चाहता, क्योंकि आप जो भी हमारे गौरव वल्लभ जी ने बहुत सी चीजें बताई, फिर आपको रिपीट नहीं करना चाहती, इसीलिए मैं आप सबको तकलीफ दिया और उसीलिए मेरे बात रखने में थोड़ी देरी हो गई होगी, फिर मेरे प्रेस कॉन्फ्रेंस को समाप्त कर दूं। 80 साल के खड़गे जी हो गए हैं और बयान बदलने की बात हो रही है, कितना समय चाहिए आपको बयान बदलने के लिए, दिशा बदलने के लिए? हाँ, 80 साल के खड़गे जी हो गए हैं, हाँ, वीजा बदलने की बात हो रही है, लड़ने की बात हो रही है, हाँ, कितना समय चाहिए आपको वीजा बदलने के लिए? ये लड़ना, संगठन में रहकर लड़ना, आइडियोलॉजी पे लड़ना, इसको समय, शक्ति, आपकी एज, ये आधार नहीं है। आपकी मानसिकता, आपके विचार क्या है, कितने आप कमिटेड हो, दैट इज इम्पोर्टेंट, नॉट योर एज। बहुत से यंगस्टर्स भटक भी जाते हैं, कहीं अलग बातें भी करते हैं, लेकिन मैं अपने विचारधारा पे खड़ा हूं, आइडियोलॉजी के ऊपर खड़ा हूं, मैं लड़ते रहूंगा, उसको एज का कोई फर्क नहीं। कोई किसी ने मुझे पूछा, जब 75 साल का था तो लोअर हाउस में मैं लीडर बना, उस वक्त किसी ने पूछा मुझे कि आप 75 साल होके कैसा लड़ेंगे मोदी के खिलाफ, क्या आप नहीं देखे? तो ये एज का सवाल नहीं, कुछ लोग ऐसा ही करते हैं और सारी चीजें एक आदमी नहीं करता, उसी लिए कहा मैं एक कलेक्टिव लीडरशिप है और हम सबसे कंसल्ट करेंगे और हमारे संस्था में, संविधान में अलग अलग किस्म के कमिटीज होते हैं, उनके तरफ से हम काम करेंगे। अध्यक्ष बनने की संभावनाओं से इंकार नहीं कर सकता, तीन बड़ी चुनौती में से क्या है? पहला, जहां राजस्थान गए थे पर्यवेक्षक के तौर पर, वो विवाद का पटाक्षेप किया होगा, या गुजरात जहां से नया मैसेज जा सकता है, या फिर जो पार्टी के अंदर ठीक तो विवाद है। पर 18 दिन वाली हमने कोई बात देखिए, 18 दिन की बात का क्वेश्चन, नॉमिनेशन का लास्ट डेट क्या था, और उसी दिन और दूसरा कैंडिडेट भी भरा, मैं भी भरा, तो ये निर्णय जो होते हैं कार्यकर्ता और हमारे जो सपोर्टर्स, सिंपथाइजर्स, वर्कर्स, वो मिलके मुझे आज वो निर्णय लेके मुझे खड़ा किया, मैं खड़ा हूँ। जी मैं आपके पास जरूर आऊँ। अरे इनको कंडक्ट कर ले, देखो भाई, मैं पहले ही बोला, मैं ये एक दूसरे के खिलाफ की बात नहीं, मैं इसमें विश्वास रखता हूं कि यह आंतरिक चुनाव है, घर का है, इसीलिए इसके बारे में ज्यादा मैं कहने की जरूरत नहीं। मेरे समझ में नहीं आप बात करें, कांग्रेस के लोग छोड़ रहे हैं तो कैसे रुके? अगर आप बनते हैं तो इनको किस तरीके से जो पॉलिटिकल बायन हो रहा है, किस तरीके से? देखिए, चुनाव के बाद
हमको स्ट्रैटेजी बना पड़ेगा और जो लोग जा रहे हैं इसका क्या कारण है, जो लोग आना चाहते हैं उनको क्यों रोका जा रहा है, इसका पूरा हम सविस्तर से चर्चा करके पार्टी को मजबूत बनाने के लिए जिन जिन की जरूरत होती है जरूर उनसे बात करेंगे। और वो सारी चीजें अगर मैं बिफोर इलेक्शन बोलूं ये अच्छा नहीं लगता, वो बाकी के बाद बात करेंगे।